यसर ली अमरी वाहल लुक्त मिल लिसानी यकौ कौली। न हम सफर से न हम नशी से निकलेगा, न हम सफर से न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाओ का कांटा हम ही से निकलेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर पूरा हिंदुस्तान अपने आप में एक गवाह बना हुआ है, एक शाहिद बना हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग तहरीकी उतरे हुए हैं, लोग सड़कों पर है और इस तरह से सड़कों पर है जैसे हमारे आबाओ अजदाद अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर थे। आज अगर मैं बात करूं सीएए की, मैं इससे पहले ये कहना चाहता हूं कि आप जो लोग यहां पर तशरीफ लाए, मैं देख रहा हूं इसमें दलित भाई भी मौजूद है, इसमें हिंदू भाई भी मौजूद है, इसमें सिख भाई भी मौजूद है। मैं आप सबके आने के लिए मुबारकबाद देता हूं, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं और ये कहता हूं कि अदब के मंच से इंसान मिलता है। यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है, यहाँ न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई, यही वो मंच है जहां सारा हिंदुस्तान मिलता है। आज का ये दिन सीएए को समझने के लिए काफी है। मैं सीएए के तरफ चलूं, हुकूमत ये कह रही है कि सीएए को जो है तो एनआरसी से हटकर देखा जाए, लेकिन इसको कभी भी एनआरसी से हटकर नहीं देखा जा सकता। आप इसको समझे, इस बात को समझे और इस बात को यहां से लिख कर लेकर जाए कि ये आंदोलन कभी भी अकेले मुसलमानों का नहीं है, ये पूरे मुल्क का आंदोलन है, ये हिंदुओं का आंदोलन है, ये मुसलमानों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है, ये दलितों का आंदोलन है। अगर देखना है तो उठाकर देखो, अखबारों को उठाकर देखो, सोशल मीडिया को उठाकर देखो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ खड़ा है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की एकता और अखंडता है, ये हिंदुस्तान एक ऐसा तारीखी मुल्क है, जितना इसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी उतना ये मुल्क एकजुट होगा इंशाअल्लाह। हमने 250 साल इख्तदार अंग्रेजों को उखाड़ के फेंका है, ये तो अभी 6 साल हुए साहब। समझ के लो एनआरसी सीएए क्या है। सीए जो है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। साहब कह रहे हैं हम सिटीजनशिप देंगे, कौन सा नवल का काम करेंगे साहब। हर मुल्क सिटीजनशिप देता है लेकिन धर्म के आधार पर नहीं। हम इस मुल्क को मानते, अगर ये धर्म के आधार पर नहीं होता, अगर ये धर्म के आधार पर नहीं होता हम मानते, एनआरसी के अंदर क्या होगा। अपने ही मुल्क के अंदर, अपने ही घर के अंदर आपको ये साबित करना है कि मैं इस घर का रहने वाला हूं, मेरे बाप दादा इस घर के रहने वाले हैं, ये कहां का इंसाफ है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करूं और ये पुलिस डिपार्टमेंट जो खड़ा हुआ है, मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं कि बड़ी डिसिप्लिन के साथ आपने ये पूरा प्रोग्राम चलाया, आपने परमिशन दी, मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं और ये कहता हूं कहीं जाते हुए आप ये ना सोचे कि घर मोहब्बत का इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, घर मोहब्बत का इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, घर ना आते तुम्हारी महफिल में सोचते बहुत नुकसान होता। अभी पढ़ने के बाद हमको तहरीक चलानी है अमन के साथ, शांति के साथ, इसको समझते हुए हिंदुओं को मुसलमानों को साथ लेते हुए और डिपार्टमेंट के साथ चलते हुए तमाम लोगों को साथ मिलो और इस मुहिम को आगे चलाओ। यहाँ से जाते हुए ये लगना चाहिए कि हम एक जुलूस से आ रहे हैं, हम एक तहरीकी लोग हैं। देखो हमने अपने आबाओ अजदाद को तारीख में पढ़ा है, ये मत भूलो कि आने वाली तारीख तुमको पढ़ने वाली है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करूं और ये कहूं कि मेरे कायद ने हजरत मौलाना महमूद हसन मदनी ने ये कहा था भरी पार्लियामेंट के अंदर कि इसी कली की है खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे, ना बुलाए आपके आए हैं ना निकाले आपके जाएंगे। न लिखाओ खाबे महल उसे जिस झोंपड़े की कदर नहीं, मेरा दर्द कौन सा दर्द है कि खरार शामो सहर नहीं, मेरा दर्द कौन सा दर्द है कि खरार शामो सहर नहीं, मेरे दुश्मनों को है सब पता मेरे दोस्तों को खबर नहीं। तेरी दास्तां को भी दूं तेरी आ
पास खूने जिगर तो है मगर इतना खूने जिगर नहीं। अजीज दोस्तों, आज आप हजरात ने सीएए के खिलाफ जमीयत उलमा की छोटी सी दावत पर आप लोग जमा हुए। मैं आपको बताता चलूं, जमीयत उलमा है क्या? जमीयत उलमा वो जमात है, वो तंजीम है, वो तहरीक है, जब मुल्क की आजादी का वक्त था तो उस वक्त कांग्रेस से पहले अगर कोई जमात थी तो आपकी और हमारी जमात जमीयत उलमा हिंद है। आज आप लोगों को उसी के बैनर तले जमा किया गया है। जमीयत उलमा ने जब अंग्रेजों से मुल्क को छीनने की नौबत आई तो उस वक्त मुल्क के कायदीन ये कह रहे थे कि हम लोग इस मुल्क को कैसे छीनेंगे, तो उस वक्त जमीयत उलमा ने कहा था कि हम इनको, ये गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों को इस मुल्क से बाहर निकालेंगे। ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क के हैं। आज जमीयत उलमा का एक जन, जमीयत उलमा ने आजादी, इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी दी, जमीयत उलमा ने दीगर तहरीकें चलाई, लेकिन मेरे भाइयों याद रखो, जमीयत उलमा का एक जो मिशन है वो ये है कि कौम को इस बिरादराने वतन में से किसी भी चीज की मायूसी को दूर किया जाए। अगर हम में मायूसी आएगी, अगर हम में डर रहेगा तो हम लोग इसकी, इसके खिलाफ लड़ने से पहले ही दफन हो जाएंगे। आप लोग अर्ज कीजिए कि इस झंडे के तहत हम हर हमेशा जब भी इससे पुकारा जाएगा हम लोग इसके झंडे के नीचे आने के लिए तैयार हैं। तैयार है ना सब? और मेरे भाइयों, आज जामिया मिलिया के ऊपर अटैक हो रहा है, जामिया के बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है। मेरे भाइयों याद रखो, जामिया मिलिया के बुनियाद अगर किसी ने रखी है तो शेख उल हिंद मौलाना। हमारा ये धरना इसलिए था कि जो आपके कानून लाए थे जिसमें मजहब के नाम पर लोगों को भागा जा रहा है, तो सारा मुल्क इसके खिलाफ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उसके पालन के लिए शपथ खाई है। इस मुल्क में इस तरह का कोई कानून न बनाए जिसमें भेदभाव हो, इसके खिलाफ पूरे मुल्क में ये मुहिम चल रही है। क्या मुसलमानों के लिए नहीं? ये मुसलमानों के लिए नहीं है, सारे लोगों के उस जद में आएंगे। अभी पहले निशाने पर मुसलमान है, उसके बाद दलित भाई है, ये सारे लोगों के लिए नुकसान है। ये अभी हमारा मुल्क दूसरी बहुत सी परेशानियों में है, उसको छोड़कर इस तरह के कानून बनाना जिससे लोगों को बांटा जाए, इंसानों को बांटा जाए, इसके खिलाफ सारे मजहब के लोग हमारे साथ हैं। पूरे आवाम को, मुसलमान को या पूरे इंडिया के जो लोग हैं, हिंदू भाई, उनके लिए आप क्या मैसेज? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी कानून जो इंसानों को बांटे ये हमारे दस्तूर और संविधान के खिलाफ है। उस जो है काले कानून के खिलाफ हम सबको एक आवाज़ बनना है और उस कानून को हमको रद्द कराना है, ये हमारी मांग है। कार्यक्रम लगेगा है देशाची अखंडता आणि कायमता या ठिकाणी टिकून राहावी या ठिकाणी मुद्दाम या परिषद लोकांनी हा कार्यक्रम या ठिकाणी घेतलेला आहे। आणि भारतात आज या कायद्यामुळे कायदा जनतेच्या हितासाठी बनतो, जनतेच्या नुकसानासाठी बनतो। आज भारताची परिस्थिती काय झाली आहे कायद्यामुळे, तरी सगळ्या बांधवांना मी विनंती करतो की या कायद्याने सर्वांना मिळून विरोध करावा आणि घटनेचं संरक्षण करावं, एवढी विनंती करतो ठिकाणी। और सीए के बिल के बारे में तो हमारे साथ में आज जो है वरुण काजी के सरपंच, हमारी सरपंच है, ये क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये देखो, आज करीबन 25,000 लोग एक ग्रामीण के यहाँ पर जमा हो गए थे जिसमें हर समाज का व्यक्ति यहाँ था। ये कोई मुसलमानों के, मुसलमानी इसका विरोध कर रहे हैं ऐसा नहीं है, इसको हर समाज का दुबला, गरीब, पिछड़ा ये विरोध कर रहा।
ये देश को पिछाड़ी पे लेके जाने वाला बिल है, NRC हो या CAA हो, ये देश को तोड़ने वाला है। इससे कोई देश में अमन नहीं है, विकास नहीं है। आज सब में बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, आत्महत्या करने वाले शेतकरियों का, ये प्रमुख से देश का मुद्दा है। NRC आप अफगानिस्तान वालों को आने के बाद तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे, पाकिस्तानी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे या बांग्लादेशी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे, तो उसको आप बना के देने वाले हैं। तो जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जिन्होंने कुर्बानी दे के ये देश को आज़ाद किया, उनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, लाइट बिल है, ये सब होने के बाद NRC का कोई ज़रूरत नहीं है। आज मुख्यतः से मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए ये देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने और शाह साहब ने, जो व्यक्ति तड़ीपार था, तड़ीपार व्यक्ति कोई अच्छा कानून कभी नहीं बना सकता, ये देश की इच्छा है और ये अच्छा कानून नहीं है, जो ज़रूरत वाले कानून है। आज लाखों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में लोग इसको आंदोलन के जरिए विरोध कर रहे हैं। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का मैं निषेध करता हूँ, जामिया में बहरोबी से विद्यार्थियों पे अत्याचार किया गया, मारा गया, ये देश जल रहा है लेकिन बटेगा नहीं। यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का दिन, यहाँ का दलित एक साथ है, ये देश टूटेगा नहीं। तोड़ने वाले काश कितनी भी कोशिश करें, देश नहीं टूटेगा। हम देश के साथ हैं और देश सब लोग एक साथ हैं, यही मैसेज आज की करमार रैलियों के जरिए। गरीब गुरबाओं ने रैली बनाई, 25,000 लोग गांव के ग्रामीण के यहाँ जमा हुए थे, उसका मैं स्वागत करता हूँ, आपका भी स्वागत करता हूँ, और औरंगाबाद ग्रामीण पुलिस का इस्तकबाल करता हूँ, दिल्ली पुलिस का निषेध करता हूँ, यही आज की रैली का उद्देश्य था। तो इस तरह से पूरे भारत में जो एहतजाज चालू है, हर मुसलमान हो, हर हिंदू भाई हो, ये इसका एहतजाज कर रहे हैं। NRC का जो है विरोध चालू है और CA बिल का विरोध चालू है, तो भारत सरकार ने इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए जल्द से जल्द। हमारे साथ में और एक शख्सियत मौजूद है, मिर्ज़ा अरुण बेग, जो करमाण के हैं। आइए देखते क्या है। ये जो मौजूदा सरकार ने जो ये बिल लाके जो है, तो आवाम का जो आवाम को भड़का रही है, आवाम को बांट रही है, और इस मुल्क को दो तबकों में बांट रही है, और ये जो है तो एक साजिश है। और इस वक्त जो मुल्क के हालात है, GDP डाउन हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और तमाम जो मसले इस यहाँ पर इस मुल्क में मौजूदा हालात में आ रहे हैं, इन सब चीज़ों से जो है तो गवर्नमेंट हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये जो बिल लाकर जो है तो साजिश कर रही है। देश के हालात इस वक्त बहुत नाजुक है, देश में इकोनॉमी का पोजीशन एकदम डाउन हो चुका है, लिहाजा पूरे देश की जनता का दिल डाइवर्ट करने के लिए मोदी सरकार और अमित शाह ये दोनों ने मिलकर साजिश रची है कि असली जो सवालात है उन सवालात से सबका ध्यान भटका कर सबको धार्मिक झगड़े में लड़ाया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए, और हिंदू मुस्लिम तब होगा जब उनकी साजिश कामयाब होगी। लेकिन इस देश का हिंदू, इस देश का ईसाई, इस देश का बौद्ध, सब कोई इस कानून के जो के संविधान के खिलाफ कानून बनाया गया लड़ा दे रहे हैं, और ये कानून कोई भी हालत में इस देश में लागू नहीं हो सकता। इस देश में बेरोजगारी की हालत इतनी ज्यादा है, तो इस तरह से पूरे आवाम की जो है यहाँ पे गुस्सा फूट रहा है। इस देश की हालत बेरोजगारी से बहुत नाजुक हो चुकी है। जब इस देश के नौजवान को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो बाहर के लोगों को लाकर किस लिए लाया जा रहा है? इस देश में नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। इस देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, और यहाँ के किसान को कोई पूछने वाला नहीं, और यहाँ के नौजवान को कोई पूछने वाला नहीं, और इनको फिक्र है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की शरणार्थियों की। यहाँ के जो मुकामी हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देना चाहिए, ना कि बाहर के लोगों की फिक्र करना चाहिए। अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की शरणार्थियों की इनको फिक्र है, तो मैं मेरी ओर से दर्दनाक अपील करता हूँ कि सबसे ज़्यादा शरणार्थियों की दुनिया में अगर कहीं हाल होंगे,
तो बर्मा के रोहिंग्या मुस्लिमों के है, रोहिंग्या मुस्लिमों को भी यहाँ न्याय देना चाहिए और उनको भारत में शरण मिलना चाहिए, ऐसी मैं अपील करता हूँ और ये कानून कोई भी हालत में वापस लिया जाए। तिब्बत में यहाँ जमा होने वाले और पूरे भारत का जवान स्टूडेंट जमातिया मिल्लमी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जामे इस्लामिया जो हिंदुस्तान के अंदर ये देश आज़ाद हुआ उसके बाद में सबसे बड़ा प्रदर्शन इसे कहे जाएगा। ये संविधान के खिलाफ है और लोग बाबरी की शहादत को मुसलमानों ने बर्दाश्त किया, तीन तलाक को बर्दाश्त किया, 370 को बर्दाश्त किया। इंशाल्लाह मुसलमान और बौद्ध और यहाँ का हिंदू भाई संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है, रोड पे आया है। चल चलो मैं जाहिर विरोध करता हूँ उसका। मैं गाड़े जलगांव का रहने वाला हूँ। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी भाई करमाड नगरी में आए थे मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि 10 से 12 हज़ार की जो पब्लिक थी, हमने जो भी मोर्चा किया बिगर नारों का दिया। हाँ, हमारा जो मोर्चा था वो मुक्का मोर्चा था और हमारा ये जो मोर्चा था ना ये कोई हिंदू के खिलाफ था ना कोई दलित के खिलाफ था, हमारा ये मोर्चा जो था ये सरकार के खिलाफ था, क्योंकि सरकार ने जो बिल लाई तो इसका हम विरोध करते हैं। मैं एक ही बात कहूँगा और मेरी बात ख़त्म करूँगा, जब भी वतन को लहू की ज़रूरत पड़ी, जब भी वतन को लहू की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमको ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। जोर से CAA का और NRC का विरोध करता हूँ।